जो फ्रेम में आ रहा था वही भाई जो भाई भाई प्रियान आज आए हैं भारती के शो पर. वेल कितने कॉम्पिटिटिव मूड में आए हैं या कितने फन मूड में आए हैं? कॉम्पिटिशन बिल्कुल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि भारती से सब जब मेरी बात हुई थी तो उसने बोला था इट्स गोना बी अ फन गेम, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन. देर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल, क्योंकि आई थिंक वी ऑल आर हियर फॉर फन. सो मजा होने वाला है, पानी में उतरेंगे हम, बहुत सारी मस्ती करेंगे. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आई हैव नो आइडिया एंड एक्चुअली मैंने किसी को पूछा नहीं इस बारे में, क्योंकि आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी सरप्राइज कि कौन कौन, क्या पता कोई दोस्त हो. तो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारा मस्ती हो और खेलेंगे मजे करेंगे. ओके, सो आज तो यहाँ पर आपकी कमर भी टूटने वाली है, भीगने भी वाले हैं सब. अच्छा, ऐसा हो जो जितने भी अभी तक के एक्टर्स गेम खेलते गए हैं सबने यही कहा. देखो ये डरा रही है मुझे अभी से. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए जब मुझे इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात ये थी कि ऐसा कुछ पहले हुआ नहीं. जब हम बचपन में देखा करते थे पोगो में कैसे कैसे होता, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते, अरे ये हो रहा है ये हो रहा है. तो अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें करने वाले हैं. आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि जो चीज़ हम बचपन में देखते थे अब वो हकीकत में होने वाला है, प्रैक्टिकली होने वाला है. तो आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दैट. एज आई सेड, जब से मेरा लास्ट शो ख़त्म हुआ है उसके बाद से, उसके दौरान भी और उसके बाद भी, दर्शकों ने, मेरे फैंस ने, मेरे प्यारे फैंस ने इतने सारे प्यार दिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, चाहे मेरे रील्स के ज़रिए हो, चाहे यूट्यूब के ज़रिए हो, डिजिटली उन लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है. तो आई वॉन्ट टू कम बैक विथ समथिंग कि उनको खुशी मिले. डेफिनेटली आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग नेगेटिव कैरेक्टर जो मैंने पिछले कुछ शो में किया था, क्योंकि अब मेरे फैंस जिस तरीके से मुझे देखते हैं, आई वॉन्ट टू कम बैक एज वन ऑफ देम. सो यस, थिंग्स आर देयर इन पाइपलाइन, बट अंटिल इट्स कम्प्लीटली लॉक्ड आई कांट टॉक अबाउट इट. बट यस, आई विल कम बैक विद समथिंग रियली नाइस. वेल, होपिंग आप हम आपको जल्दी से जल्दी देख पाएं. लेकिन बिल्कुल, दिवाली आ रही है, दिवाली के क्या प्लान्स हैं आपके? दिवाली के प्लान्स तो हर बार की तरह यही है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली. फैमिली इस बार नहीं है, घर पे है, क्योंकि माई डैड इज अ लिटिल नॉट वेल. बट फ्रेंड्स है साथ में, उनका प्यार है मम्मी पापा का. तो इवन दो हम लोग साथ में नहीं बिता पाएंगे, बट और ये आपको पता ही है अभी का टाइम जो चल रहा है, थोड़ा सा मिलना जुलना थोड़ा सा कम ही हो पा रहा है. बट डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ फन. दिवाली है तो सबसे मिलेंगे, दोस्तों के साथ टाइम पास करेंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे और सबसे ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, क्योंकि दिवाली है तो खाना पीना तो बनता है. तो डेफिनेटली घर पे खाना बनेगा, मिठाई बनेगी, तो आप लोग भी आना ज़रूर. सर, जैसे आपने बताया कि आपको थोड़ा वो तो आइडिया रहेगा ना कि अंदर पानी है, सब भीग गया है. हाँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया है. कौन सा गेम होगा, कैसे होगा? देखिए गेम कैसा होगा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना है पानी में उतरना है और पानी से मुझे बेसिकली तो डर लगता है क्योंकि मुझे तैरना आता नहीं है. बट यस, पानी में जाने में मुझे बहुत मज़ा आता है. तो समथिंग कुछ तो होगा, हंगामा कुछ, थोड़ी देर बाद आप सबको पता चल ही जाएगा. और ये क्या होने वाला है इसके लिए आपको डेफिनेटली देखना पड़ेगा भारती का शो, इंडियन गेम शो. तो वो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ओके, टू ऑल माई फैंस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली. थैंक यू. Yeah.